नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर जोन के नवागत एडीजी जोन 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण किया। गोरखपुर जोन को अपराध मुक्त जोन बनाना पहली प्राथमिकता होगी। जोन से सटे जनपदों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बराबर रखी जाएगी और असंवैधानिक गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जाएगी। हमारे कार्यालय पर आने वाले हर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोरखपुर के डॉक्टर के एस प्रताप कुमार के लिए कोई नया नहीं है। गोरखपुर में वर्ष 2002 में बतौर एसएसपी भी रह चुके हैं। गोरखपुर जोन के ही बलरामपुर में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। यहां की मूलभूत समस्याओं से रूबरू होने वाले के एस प्रताप के लिए कोई नया नहीं होगा। सही कार्यों और करने में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं लगती है। वहीं गलत कार्य कराने या उसकी पैरवी करने वालों को वे पसंद भी नहीं करते। पीड़ित अपनी समस्या लेकर उनसे समय मिले, उसकी पूरी मदद की जाएगी। किसी बिचौलिए के साथ ना लेकर आए तो और भी बेहतर होगा। बताते चलें कि पीएससी मुख्यालय में बतौर एडीजी की तैनात पर हाल ही में पीएससी स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुबह के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। इस दौरान एडीजी डॉक्टर के एस प्रताप कुमार सराहनीय कार्यशैली की सीएम ने खूब तारीफ किया था और गोरखपुर जोन का एडीजी की तैनाती पर सीएम ने उन्हें इनाम के रूप में दे दिया। आईपीएस के एस प्रताप मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं। इसके पूर्व पीएससी मुख्यालय लखनऊ में एडीजी के पद पर तैनात रहे। वो प्रयागराज जैसे जोन के साथ ही एडीजी क्राइम सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर्किट हाउस पर आईजी रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविन्द्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने स्वागत किया। इससे पूर्व सर्किट हाउस पर एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप कुमार का गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। सर सर सर